हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ मार्केट एनालिसिस वीडियो जिसमें मैं आपके लिए मार्केट एनालाइज करके दूंगा, ठीक है। एंड आपका ये काम है कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने चार्ट्स को खोलो, अपने से लाइंस ड्रॉ करके देखो, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रेंड लाइंस, एंड समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों किया। कई लोग मेरे को पूछते हैं आपने ये स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किए, इसका आंसर मैं कई बार दे चुका हूँ लेकिन शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो बताता हूँ। आई सिलेक्ट दीज स्टॉक्स रैंडमली, देयर इज नो न्यूज और इवेंट बिहाइंड दिस की हो गई होगा, क्योंकि न्यूज और इवेंट्स के चक्कर में वॉलिटिलिटी बहुत हाई हो जाती है, स्टॉप लॉस पक्का हिट हो जाता है टारगेटेड होने के पहले, क्योंकि मार्केट बहुत वाइल्ड मूवमेंट देता है। हाँ, एक बार न्यूज आ गई, कई बार अच्छी न्यूज आने पे भी मार्केट नीचे गिर जाता है, बुरी न्यूज आने पे मार्केट बढ़ जाता है। दीज थिंग्स आर वेरी रैंडम, यू कैन नॉट एक्चुअली नो। जैसे टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आया, फिर मार्केट कितना ज्यादा फॉल हुआ, आपको मालूम है, ये चीज मैंने बताई भी थी आपको। मैंने बोला था पिछले मार्केट एनालिसिस वीडियो में कि टीसीएस को देखना, जिस दिन रिजल्ट आएगा खरीदने मत लग जाना, 5% मार्केट उस दिन 5% टीसीएस डाउन हुआ। हाँ, अभी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ गया है एंड उसका एस्टिमेट से तो अच्छा रिजल्ट, इज वेरी गुड, बट एस्टिमेटेड मार्केट एक्सपेक्टेशन होती है उससे तो नीचे है। वेल, मैं आई विल नॉट बी बेरिश बिकॉज ऑफ दिस और बुलिश बिकॉज ऑफ दिस के अच्छे रिजल्ट है, आई विल फोकस ऑन द चार्ट्स, ठीक है। तो चलो आज मैं आपको रीजन देता हूँ रैंडमली सिलेक्ट किए गए चार्ट्स को, मैं रीजन क्या है इन स्टॉक्स को निकालने का। एक तो इंडेक्स चेक देता ही हूं मैं, कभी कभी दोनों, बट कभी कभी सिर्फ एक इंडेक्स पे काम करता। आज बैंक निफ्टी में आपको बताऊंगा तो क्यों इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। आई विल नॉट यूज एनी इंडिकेटर, एनीथिंग, ओनली एंड ओनली प्राइस एक्शन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सिस बैंक से। वो एक्सिस बैंक अपने एक ट्रेंड, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता आ रहा है काफी टाइम से, बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाना पड़ेगा आपको, तो द ट्रेंड लाइन हैज बीन रिस्पेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ, डाउन ट्रेंड बता रहा है वो, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो मार्केट एक ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके फिर एक कंसोलिडेशन में गया हुआ। एक्सिस बैंक की भी अर्निंग्स आने वाली इस वीक में, तो एनीवेज ये अपने ट्रेंड लाइन तक पहुंच गया है। यहां पे अगर मैं मोमेंटम चेक करने की कोशिश करूंगा तो मोमेंटम काफी ज्यादा गिर चुका है। अगर आप देखोगे तो मोमेंटम, मार्केट इज गोइंग फॉर एन एक ऊपर की तरफ बना रहा है एक एंगल, और ये नीचे की तरफ, अगर मैं यहाँ पे भी दो लाइंस ड्रॉ करूंगा एग्जैक्ट उस पॉइंट से, तो इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो मोमेंटम, खैर ये उतना बड़ा भी फैक्टर नहीं, जस्ट एक बात दिखा दी मैंने कि आप ये सब भी एनालाइज किया करो कभी कभी। सो बट मूव ऑन, अगर ब्रेकआउट आना है तो मोमेंटम ठीक हो जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डाइवर्जेंस, नहीं बोलूंगा उसको, जस्ट मोमेंटम रीड करना बोला मैंने। तो अभी आपको लगेगा ये तो बुल फ्लैग है, ये तो बुलिश ब्रेकआउट दे सकता है। हाँ, 15 मिनट में आप देखोगे तो आपको बुल फ्लैग लगेगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यार ये तो क्या ये पूरा पूरा मूव नंबर वन। अच्छा, मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया होगा द मार्केट मूव्स लाइक दिस, इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव मूव, राइट, या इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव, मतलब 1 2 3। तो आपको लग रहा है कि ये तो यार वेव नंबर वन, वेव नंबर टू, देन थ्री, बट अगर दूर से देखोगे तो दिस कुड बी द वेव नंबर वन, दिस कुड बी टू, दिस कुड बी थ्री, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो दैट इज वाई वॉट वील डू, विल सी हाउ मार्केट रिएक्ट इफ द मार्केट इज ब्रेकिंग आउट ऑल दीज लेवल्स, विच लेवल्स, इफ द मार्केट इज ब्रेकिंग आउट। देखो ये क्यों बना रहा हूं, यहां से मैंने सपोर्ट लिया, ठीक है, इस जगह पे मैं सपोर्ट ले रहा हूं, तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो विल टेक सिंपल टारगेट ऑफ 693, बट द मार्केट मेरे हिसाब से बोलने से क्या होता है, मेरे हिसाब से बोलने से हो जाएगा क्या, मेरे हिसाब से बोलने से कुछ भी नहीं होता, सो आई शुड अवॉइड सेइंग ऑल दीस थिंग्स कि मेरे हिसाब से एंड ऑल। देखो एक चांस ये भी है कि ट्रेंड लाइन अगर ये इस कंसोलिडेशन से बाहर जाता है ना, अच्छा इसको कंसोलिडेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो 12 बजे से लेकर के 15 अप्रैल से पूरा 16 अप्रैल इस रेंज में था। अगर ब्रेकआउट देता नीचे की तरफ ना, तो कोई आपको सीधे शॉर्ट करना है गाइस, 651 आपका टारगेट है, गुड टारगेट, अचीवेबल टारगेट 651, एंड लॉन्ग टर्म अगर मार्केट बेरिश चाहता है ट्यूसडे वेडनेसडे तक, यू विल आल्सो सी अ फॉल टिल 629, सो परफेक्ट लेवल्स इन फ्रंट ऑफ यू, परफेक्ट लेवल्स इन फ्रंट ऑफ यू, 693 अप से 678, 652, 629, ओके। नाउ लेट्स गो विद बजाज फाइनेंस। अच्छा, मैंने ये सिलेक्ट क्यों सिलेक्ट किया इन स्टॉक्स को, क्या कहानी है, मैंने देखा कौन सा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो बजाज फाइनेंस कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और मैं देखता हूं कम से कम अगर कंसोलिडेशन एक दिन से ज्यादा हो तो और अच्छा है। सो आई कैन सी लाइक 15 अप्रैल 10 बजे से लेकर के तक ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर गया है।
इफ यू आर गेटिंग अ डाउनसाइड मूवमेंट आउटसाइड द बॉक्स लाइक 4579 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है मार्केट, यू कैन डायरेक्टली शॉर्ट द मार्केट, इट विल फॉल अप टिल 4491 एंड देन अ स्मॉल टारगेट अगेन अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 4423। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो टारगेट उतना बड़ा नहीं मिल देगा क्योंकि हो सकता है कि यहाँ के ये डबल टॉप बना दे, तो और यहां तक आने के लिए मार्केट को इतना मूवमेंट देना पड़ेगा अराउंड 1.75% का, तो 1.75% ये एंड देन यहां से कैलकुलेट करेंगे तो टारगेट के लिए देन 1.78, तो मतलब दिस इज आउट ऑफ रेंज। लाइक कोई भी स्टॉक करें जब 1.5-2% मान के चलोगे ना तो आप सरवाइव कर पाओगे मार्केट में, अगर आपकी डेली एक्सपेक्टेशन रखेगी थी नहीं 5% मूव आएगा तो डेली नहीं होता। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू प्लान दैट यू कैन प्लान ऑलवेज, नॉट लाइक कि नहीं अगर आ गया तो बाय कर लेना, लेकिन इसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी यहीं तक डबल डॉ यहां से हो सकता फिर नीचे आ जाए। यू डोंट ट्रेड इनसाइड द बॉक्स, यू ट्रेड आउटसाइड दिस ट्रेडिंग जोन, दिस इज अ जोन वेर यू डोंट ट्रेड इन दिस जोन। सो सिंपल आई वुड इग्नोर बजाज फाइनेंस फॉर लॉन्ग, अगर शॉर्ट करने के लिए बोलूंगा, बाय करना तो एक्सिस बैंक कर लेंगे, ट्रेंड लाइन टूटेगी। वैसे ही बैंक निफ्टी, क्या है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो कंसोलिडेटेड इन दिस रेंज, इट इज कंसोलिडेटेड, इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज ये ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं तो आई शुड डिलीट दिस नाउ। सो बैंक निफ्टी भी हमारी इस रेंज में कंसोलिडेट करके वापस से ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस बैंक निफ्टी इज कमिंग टू दिस ट्रेंड लाइन, शॉर्ट शॉर्ट इज गोइंग डाउन, सो इट्स गोइंग डाउन ओनली इफ दिट इज ब्रेकिंग द दिस लेवल। अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है ना, क्विक टारगेट कैन बी टेकन अप, अगर गैप डाउन भी खुलता है ना इस रेंज में, क्विक टारगेट यू कैन टेक अप टू दिस लेवल 31706, स्मॉल टारगेट, एंड इफ इट इज गोइंग आउटसाइड द बॉक्स आफ्टर कंसोलिडेटिंग, ग्रेट टारगेट 31417, सो यू कैन बाय अ पुट। बट अगर आपको याद होगा मैंने बनाया है निफ्टी ऑप्शंस पे, बैंक निफ्टी ऑप्शंस पे स्ट्रेटजी, यू विल नॉट बी यूजिंग मोर देन 20% ऑफ योर कैपिटल। आई एम हियर टू रिमाइंड यू अगेन, बाय हैविंग ग्रीड यू मे लॉस्ट ऑल द कैपिटल। एक ग्रीन पुट खरीदा और एक ग्रीन कैंडल बना, खत्म हो गया, साइकोलॉजी लॉस्ट हो गई, बर्बाद हो जाओगे, नहीं करोगे। आप जितना कैपिटल है उसके 20-30% से मैक्सिमम आप ट्रेड करोगे, अगर बाय कर सेल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉर्ट कर दो, क्योंकि शॉर्ट करने पे मार्केट, आप आउट ऑफ द मनी शॉर्ट करोगे, आप कॉल शॉर्ट करोगे, नो प्रॉब्लम विद दैट, स्टॉप लॉस लगा करके आप बिल्कुल करो उस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टारगेट एंड देन 31000 इज आगे के लिए टारगेट है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड, कहां तक आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड, या देखो इतनी ताकत तो इसको लगानी पड़ेगी 270 पॉइंट की जोन के बाहर आने में, फिर ट्रेंड लाइन है, फिर एक और रेजिस्टेंस लेवल है, तो मतलब नॉट कहां खरीदोगे, यहां खरीदोगे तो इतना ही टारगेट मिलेगा, फिर गिर सकता है। सो दैट इज वाई जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके 32435 का लेवल, जहां से पिछले हफ्ते मार्केट मार्केट ब्रेकडाउन दिया था 9th-12th, जैसा ये ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का, तब तक आई विल नॉट बी बुलिश, मैं थोड़ा बेरिश रहूंगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बैंक निफ्टी। नाउ गोइंग अहेड, नाउ गोइंग अहेड एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक अगेन आपको देख के लगेगा ये तो इसका रिजल्ट भी आ चुका है, उसी एक्सपेक्टेशन में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और फिर कंसोलिडेशन लग गया कि अब देखते क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ चुका है, अच्छा रिजल्ट है, बट मार्केट एक्सपेक्टेशंस के को मीटअप नहीं कर पाया है। वी विल नॉट थिंक एनीथिंग, भी आप और मैं क्या सोचते कोई मैटर नहीं, जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, जितने लोग आगे बात करते ना इधर उधर की ये हो गया वहां पे वो हो गया, यार जो भी हो गया यू ओनली एक्ट, यू डोंट एक्ट, यू रिएक्ट जब मार्केट कुछ करता है, तो आप पहले प्राइस एक्शन पे फोकस करो, प्राइस को मालूम है अच्छी न्यूज होकर भी बुरा है तो वो बुरी न्यूज है, तो इस चार्ट को मालूम है कि क्या होने वाला है। अगर आप जब क्या है ना क्या मैं बुरा किसी को नहीं बोल रहा है, बस मैं ये बोल रहा हूं अगर आप कोशिश करने लगोगे ना तो आप हमेशा कोशिश करने लगोगे। एक बार सक्सेस मिली चार बार फेलियर मिला तो भी आप उस एक बार सक्सेस की कोशिश में ना बार बार हाँ तो ऐसा होगा तो वैसा होगा वैसा हो, भाई नहीं होती ट्रेडिंग ऐसे यार, नहीं होती ट्रेडिंग। इंट्राडे तो बिल्कुल इंट्राडे टोटल अनबायस्ड, हाँ स्विंग ट्रेडर को जरूरी है बायस होना, आपका बुलिश व्यू पॉइंट ऑफ व्यू होगा तभी तो बुलिश स्विंग ट्रेड ले पाओगे, बेरिश स्विंग ट्रेड ले पाओगे, बट एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए मतलब श्राप है भाई बायस होना, ज्यादा दुनियादारी न्यूज पढ़ना, इधर उधर यूट्यूबर को देखना सुनना क्या होने, अरे नहीं भाई, इंट्राडे वाले को टोटल रैंडम चीजों के लिए रेडी रहना पड़ता है, स्विंग वालों को पॉइंट ऑफ व्यू बना के चलना पड़ता है, आप मत बनाओ।
अगर इंट्राडे करने वाले हो, स्विंग करने वाले तो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो दिस इज एचडीएफसी बैंक, देन अगेन इट्स ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, बोथ साइड ब्रेकआउट पॉसिबिलिटीज, अपसाइड ब्रेकआउट इफ ओपनिंग गैप अप बाय 1457 इज योर टारगेट, इफ ब्रेकिंग डाउन जस्ट वेट फॉर 1419 रुपीज टू ब्रेक अप ब्रेकडाउन, अगर पहली कैंडल ही ब्रेक कर देती है ना, इसको क्लोज हो जाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखो आई एम टेलिंग यू इवन टाइम फ्रेम्स, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वर्क करो, डिसिसिव होता है, स्लो होता है, एक्शन 5 मिनट की कैंडल पे लो बट देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम, दिस इज बेटर क्योंकि ये बेटर इंफॉर्मेशन देता है। यहां आता है गो शॉर्ट टिल 1403, ये आपका मस्त टारगेट बनेगा, और क्योंकि इसमें रिजल्ट इवेंट है तो हो सकता है और भी ब्रेकआउट आ जाए, आप यहां तक का भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इट माइट मूव टिल 1393 लेवल्स एग्जैक्टली। इस लेवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज द सेलिंग लेवल्स, दैट्स द बाइंग जोन, ठीक है, बाइंग जोन है, डबल टॉप बना था, देख सकते हो, सो यहीं से मार्केट फॉल हुआ था। सो देखते हैं एचडीएफसी बैंक में क्या होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बढ़िया से एक मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करता जा रहा था, ब्रेक हो गई है तो भी कुछ नहीं होता, जब तक ट्रेंड लाइन पावर के साथ ब्रेक नहीं होती ना, बड़ी कैंडल से तो मतलब वो नहीं ब्रेक हुई है, इट माइट अगेन गो अप, नॉट अ बिग डील, सो जस्ट कीप लुकिंग एट दीस लेवल्स, इफ इट इज ब्रेकिंग आउट द 344 लेवल्स अपसाइड वी विल गो फॉर बाय, इफ इट इज गोइंग फॉर बिलो 336 लेवल्स वी विल गो फॉर सेल, ओके, सो दैट्स इट। नाउ ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे, बहुत दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, इसे बड़ी सी रेंज में देखो ब्रेक कर गया, उसको पावर के साथ ब्रेक कर गया है, क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ बेयर फ्लैग, ठीक है, ये ट्रायंगल को भी आप फ्लैग की तरह मान सकते हो, आ जाओ देखो, और उसमें मैंने आपको नो ट्रेडिंग जोन भी बना के दिया है बढ़िया से, इसके देखो क्या है इसमें भी ना, इसको अगर ऊपर से ब्रेकआउट देना है तो इसको कम से कम 2% तो वहां तक आने में लगेगा, उतना गैप अप नहीं खुलता ना, स्टॉक्स में इतना बड़ा गैप कभी कभी आता है। अब इसके बाद यहां से यहां जाने के लिए समझ 4%, तो इवन आई विल बी बेयरिश इन दिस एज वेल, जैसे ही नीचे यहां क्या गैप डाउन खुला शॉर्ट करना है, यू शॉर्ट इट, यू गेट योर टारगेट ऑफ मोर 2.6%, गुड टारगेट राइट, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस फॉर यू। नाउ कोल पाल, देखो टोटल प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, दिस इज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, डबल टॉप बन चुका है, मैं देख चुका हूं मोमेंटम यहां पे कम है, आप भी देख लो, देखने का मन है आपका, कीप यू थिंक सिंपल, लाइफ सिंपल रखो, तो मोमेंटम फॉल हुआ है बट इससे कोई कुछ, मैं इंट्राडे में इसको यूज करना मेरे लिए बढ़िया रहता, बट तो अच्छा जितने भी लोगों को मालूम होगा, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, सो व्हाट इज दिस, पीपल विल थिंक सर दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस, नो दिस इज हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। हिडन बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, दिस इज हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, यहां पे डबल टॉप भी बन चुका है, हाई एविडेंस फॉर मार्केट टू गो शॉर्ट, कोल पाल वुड बी अ गुड, मतलब मैं इसको बाय आएगा तो शायद ना करूं, मैं इसको शॉर्ट के लिए रखूंगा, तो शायद 2-3 मेरे स्टॉक शॉर्ट के लिए हो गए, बाय के लिए सारे न्यूट्रल 2-3 ही स्टॉक है मेरे पास, सो दिस माइट गो एंड मेक द राइट शोल्डर ऑफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेफ्ट शोल्डर 2 बन चुके हैं, राइट में भी एक बन चुका है, दोबारा इस जोन से नीचे आता है, हमें क्या करना है उतनी कहानी से, मार्केट ये गैप डाउन खोल रहा है 1566 के नीचे, जाओ सीधे इसको ये अपना टारगेट उठाओ, दिस इज योर टारगेट, ओके, इट्स गोइंग टू बी अ टारगेट बेटर, लेट्स पुश इट लिटिल लिटिल अप, ओके नाउ गुड, इट्स गुड, 1550 या 1552 इज अ गुड लेवल, ओके, इवन इट द विक माइट कम टिल 1550 एज वेल, उसको टच करके भी हो जा सकता है, सो 1550 अपना टारगेट बनाओ, काफी अच्छा टारगेट है, एंड वी आर डन गाइस, इतने आसानी से इजिली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो बस यही बात करनी थी कि मेक श्योर पीपल ट्रेडिंग बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन डू नॉट यूज फुल कैपिटल, मत करना यार इतने, अभी सबसे पहले अपना ना डायरी खोलना, मार्केट खोलते हैं लिखना व्हाई एम आई ट्रेडिंग, आंसर लिखना आई एम ट्रेडिंग टू सेफ गार्ड माई कैपिटल, आई एम ट्रेडिंग टू नॉट प्ले द लॉटरी, मैं गैम्बलिंग नहीं करना है, आई एम हियर टू फोकस ऑन द प्रोसेस, मे बी समथिंग लाइक दिस, maybe then you can control yourself, I will use only 20% of 30% capital, khatam baat, kar kam capital, jitne log equity mein trade karoge karo, futures mein trade karoge karo, no problem, equity ke liye maine aapko risk management ka RPT ka formula bataya hua hai, quantity ka formula bataya hua hai, RPT divided by stop loss, simple hai, star risk per trade aapko define karna hai, ki 5000 kitna main risk le sakta hai ek din mein, 10000 1 lakh, divide kar do stop loss, 12 rupaye ka stop loss hai,
10,000 खरीद, 12,000 खरीद ले सकते थे, 1,000 क्वांटिटी खरीद लो, लेकिन आप खरीदते हो 5,000 क्वांटिटी, पूरा लेवरेज लेकर के। अच्छा लेवरेज कम हो गया, अच्छी बात है, 5 times तो मिलेगा, लेकिन कई लोग रोते रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, 5 times लेवरेज तब भी मिलेगा। और मैंने चेक किया है 5 times लेवरेज जो होता है रिस्क पर ट्रेड को सेट करने के लिए परफेक्ट होता है, उतनी क्वांटिटी आएगी उससे आप खरीद ही नहीं पाओगे, अपने आपको रिस्क में डाली नहीं पाओगे। पता नहीं सेबी ने इसलिए किया है कि रिस्क पर ट्रेड सेट करने के लिए 5% लोगों का, यू वोंट बी एबल टू ब्लो मोर देन 5% ऑफ योर अकाउंट इक्विटी ट्रेडिंग में, नॉट इन फ्यूचर्स, एंड फ्यूचर्स में भी कम हो जाएगा फिर तो मार्जिन, फिर भी मेरे हिसाब से डबल का तो मिलेगा, जितना मिल रहा है उतना तो मिलना ही चाहिए। ओके गाइस, सो आई होप मैंने आपको टिप्स भी बताई कैसे आपको एग्जीक्यूट करना, ये भी बताया, और आपके लिए जानबूझ के एकदम सिंपल एनालिसिस किया, कुछ ज्यादा हवाबाजी नहीं कि ये देखा मैंने वो देखा फिर वो वेबसाइट देखा फिर वहां से स्कैन किया फिर इसमें ये हो गया वो हो गया ADX लो, कुछ नहीं देखा, जस्ट स्टॉक देखा कहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्या मूव हो सकता है, ऊपर चलो, दैट्स कीप योर थिंग्स एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस सिंपल, बिकॉज द साइकोलॉजी पार्ट, द साइकोलॉजी क्वाड्रेंट दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट कि मैं इस पर बहुत वर्क किया है, द रिस्क मैनेजमेंट क्वाड्रेंट वेरी हैप्पी, उस पर लाइफ मैनेजमेंट क्वाड्रेंट उन पे फोकस करो, टेक्निकल सबको आता है, कौन सी बड़ी बात है भाई, एनालिसिस करके देना बहुत बड़ी बात नहीं है, बात है कि उस टीम वर्क में मिलके राइट स्टॉक्स निकालना और उनको एग्जीक्यूट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेफिनेटली हेल्प्स टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस डेफिनेटली। देखो ये जो मैंने बोला, बोलने के लिए पहले टेक्निकल से परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, मास्टर बनना पड़ता, तो आई हैव डन दैट, सो ऑब्वियसली बात है हमको मालूम है। ओके गाइस, सो आई होप आपको मजा आया होगा, जितने भी नए लोग इस चैनल को देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड हाँ जितने पुराने लोग हो आप लोग ना वो बेल आइकन वाला बटन क्लिक कर देना, कई लोग नहीं कर पाते गलती से, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, मार्केट एनालिसिस को ज्यादा लाइक नहीं करते आप लोग, बट ठीक है लाइक करोगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, चैनल की ग्रोथ होगी। अगर आप नए हो पहली बार आ रहे हो, आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, मेरा रिकमेंडेशन पूछोगे तो अपस्टॉक्स इज ऑल्सो गुड, ज़ीरोधा इज बेटर, बेस्ट है ज़ीरोधा, फायर इज ऑल्सो गुड, मैं तीनों में अकाउंट अभी ऑपरेट कर रहा हूँ अलग अलग रीजन से, आई वुड टेल यू यू कैन ओपन योर ट्रेडिंग अकाउंट इन ज़ीरोधा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो, क्यों, इट्स द बेस्ट, लाइक बेस्ट इंटरफेस है, जेन्युइनली बेस्ट इंटरफेस है। ठीक है यार, चलो फिर, बाय गाइस, बाय, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट साइकोलॉजिकल वीडियो, आई एम ब्रिंगिंग अ बुक सीरीज, लाइक बनाता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू सो मच।